नमस्कार, स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज क्रिमिनल्स में सनक में लड़की के घर हुए शूटआउट की वारदात दिखाएंगे, क्यों उस लड़के ने लड़की को गोली मारी और फिर खुद पर भी गोली चला दी। ऑपरेशन सात फेरे भी होगा। दो लाश का सस्पेंस दिखाएंगे जिस पर एक परिवार दावा कर रहा है। लुटेरों और फरियादियों के बीच संघर्ष की लाइव तस्वीर होगी और होगा चंबल नदी में ऑपरेशन लुटेरे। उस घर में तब कोहराम मच गया जब रिश्तेदारी में लगने वाला एक लड़का घर आता है। उसने पानी मांगा, उसके दो मिनट बाद ही सब दहल गए। घर में सुनाई दी गोलियों की आवाज। लड़के के टारगेट पर थी एक लड़की जिसने पहले लड़की को गोली मारी और फिर अगला निशाना वो खुद था। आखिर किस सनक में हुआ ये शूटआउट? ये परिवार दहशत में है। एक ऐसी वारदात जो सबके सामने हुई। रिश्तेदारी में लगने वाला ये लड़का घर आया, पानी मांगा और उसके बाद गोली चलाई। टारगेट पर थी लड़की। लड़की को गोली मारने के बाद एक और गोली की आवाज आई। अब अगला निशाना ये लड़का खुद था। लड़के ने खुद को भी मारने की कोशिश की। मैहर के अमरपाटन कस्बे में इस वारदात से सनसनी फैल गई। वही सुमित पटेल। किस बात को लेके? कुछ नहीं हुई लड़ाई झगड़, कुछ नहीं हुआ लड़ाई झगड़। वो सीधे आके मार दिया। अब हम कहाँ जाने कहे मार दिया। अब वो जाने कहे मारा है। घायल लड़का और लड़की को फौरन अस्पताल ले जाया गया। दोनों की गंभीर हालत को देखकर रीवा रेफर किया गया। गोली चलने की खबर आई, तत्काल पुलिस मौके पर गई थी और हमारे एसडीओपी अमरपाटन भी गए थे और वहां पर जाने पर मालूम पड़ा कि सुमित पटेल जो थाना नादन के जरियारी गांव का रहने वाला था वो घर आया हुआ था और वहां पर कमरे में उसने लड़की को गोली मारी और अपने आप को भी गोली मारी। अब सवाल है कि आखिर इस शूटआउट के पीछे वजह क्या है? क्या एक तरफा प्यार में इंतकाम लिया गया? क्या इस वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। मतलब नतीजे पर तो अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया हमें जानकारी मिली है कि लड़के का प्रेम प्रसंग था और उसका आना जाना था। इस संबंध में हम उसकी जांच कर रहे हैं। आखिर गोली की ये गुत्थी क्या है? शूटआउट की जांच जारी है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शादी के बाद ये उसका पहला वैलेंटाइन डे होता। उसने न जाने वैलेंटाइन डे को लेकर कितने सपने संजोए होंगे, लेकिन ये दिन आता उससे पहले ही सारी हसरतें अधूरी रह गई क्योंकि दुल्हन निकल गई दगाबाज। ऑपरेशन सात फेरे जिस बात के लुटेरों पर प्रहार है। व्यवसायिक तौर पर यही कार्य करती थी कि 8-10 दिन साथ में रहकर भाग जाती। 11 जनवरी को वो शादी करके आया और 20 जनवरी को वो अपने परिजनों के साथ भाग गई। ऑपरेशन सात फेरे। देवास में दुल्हन एक खोज। चट शादी पट फरार। 8 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रात में आया कॉल, कार से गिरो छूमंतर। दुल्हन दगाबाज रे। ये वरमाला दूल्हे राजा के लिए जी का जंजाल बन गई है। सात फेरे, अब इस दूल्हे को चक्रव्यूह लग रहा है जिसने अपनी शादी की फोटो को व्हाट्सएप की डीपी भी बनाया होगा, लेकिन अब यही तस्वीर दर्द बन गई है। देवास के सोनकच्छ के भोरासा का ये फरियादी खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। दर्द दिल का है और दिल पर जख्म देने का इल्जाम दुल्हन पर लगा है।
ये शादी देवास के खोनपीर पिपलिया गांव के रहने वाले रवि के लिए खुशियां नहीं बल्कि गम लेकर आई। इसकी शादी नहीं हो रही थी तो उसने दोस्तों से बोला कि मेरी शादी के लिए कोई लड़का लड़की वगैरह बताओ, तो उन्होंने राजेश करके है इंदौर का, उसको बताया। उसके द्वारा अपनी जो सहयोगी टीम थी, उनकी एक टीम है जो ऐसे लड़कों की शादी की, जो इनकी शादी इनके नहीं होता है, ऐसी लड़कियों को लाते और पैसा लेते हैं। इस गिरोह में अलग अलग लोगों ने अलग अलग किरदार निभाए। दरअसल रवि की शादी के लिए लड़की की तलाश जारी थी, लेकिन जब लड़की नहीं मिली तो एजेंट के जरिए इस गैंग के जाल में रवि और उसका परिवार फंस गया। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि 11 जनवरी को मंदिर में रवि और इस लड़की की शादी हुई, 12 जनवरी को दुल्हन घर आई और 20 जनवरी को रात में एक कॉल आया, जिसके बाद दूल्हे रवि का होश उड़ना लाजमी था। पूरा गिरोह कार से फरार हो चुका था। 20 तारीख की रात में एक महिला, उसकी दोस्त जो उसकी बहन बनी थी, वो और उसका प्रेमी अखिलेश नाम का, दोनों रात में करीब 3:30 बजे कार लेकर आए, इको कार MP09JT3306 उसको लेकर आए और रात में फोन पर उनको बाहर बुला करके और रात में ले गए। उधार रुपए लेकर ये शादी हुई थी। गिरोह को पहले 1.5 लाख रुपए नगद दिए गए, 50,000 रुपए अकाउंट में गिरोह ने डलवाए और उसके बाद मौका मिलते ही गिरोह 9-2-11 हो गया। सुनिए जज्बात के लुटेरों की कहानी पुलिस की जुबानी। और उन्होंने 1.5 लाख रुपए नगद ले लिए और 50,000 रुपए अलग अलग खातों में डलवा लिया और प्रशांत होटल मक्सी रोड पर वहाँ जाकर के उन्होंने रुके रात और बिलावली मंदिर है, बिलावली मंदिर में जाकर के उन्होंने शादी किया। उसके बाद में लड़की 12 तारीख को यहाँ गांव में आ गई थी खून की पिया आदमी रवि के साथ में। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पुलिस की माने तो दुल्हन की तलाश अब भी जारी है। पुलिस के मुताबिक ये लुटेरी दुल्हन वाला गैंग है। 11 जनवरी को शादी करके आया और 20 जनवरी को अपने परिजनों के साथ भाग गई। इस प्रकरण में 6 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। लड़की जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। मालवा निमाण में अक्सर लुटेरी दुल्हन का गिरोह ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जिनकी शादी में दिक्कत हो रही है। ऐसे गिरोह शिकार के परिवार को चूना लगाने में माहिर होते हैं। ऐसी गैंग जो एक शिकार करते हैं और फिर दूसरे शिकार पर निकल पड़ते हैं। देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करीब 5.5 महीने पहले एक महिला और उसकी 12 साल की बेटी रहस्यमय तरीके से लापता हुई। लापता महिला के घर वाले प्रेमी पर प्रताड़ना का इल्जाम लगा रहे हैं। आरोप ये कि गुमशुदगी का राजदार प्रेमी ही है। इस बीच 2 लाश मिली। घर वाले कह रहे हैं कि लाश उनकी बेटी की है, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या लाश का कनेक्शन लापता महिला से है? आइए करते हैं पता। नैना नदी के पुल के नीचे एक महिला जिसकी उम्र करीबन लगभग 20-25 साल है, उसकी लाश मिली। उससे कुछ दूरी पे एक बच्चे की भी लाश मिली। कहां गायब हुई माँ और बेटी? नदी में मिली 2 लाश, सस्पेंस बरकरार। लाश से है गुमशुदगी का कनेक्शन। मौत की अजब पहेली। आखिर सच क्या है? DNA रिपोर्ट से खुलेगा राज। इंसाफ मांगने का यह तरीका भी अपने आप में बेहद अलग है। जमीन पर नारियल रखना और लेट लेट कर चलना। किसी मंदिर में ना तो मन्नत मांगी जा रही है, ना ही मुराद पूरी होने पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जा रहा है।
यहाँ एक बहन इंसाफ की फरियाद लेकर आई है रीवा के आईजी ऑफिस में। पहले तो अच्छे से रखे रहे, लड़की होने के बाद फिर मारने लगे, दो तीन बार हमारे सामने भी मारी शिवेंद्र सिंह। पेट में बच्ची रही तो हम गई थी, बुलाई थी कि आजा, तो मैं गई थी तो बहुत मारे थे मेरे सामने। शांति और उसका परिवार लापता बहन सुनीता साकेत की तलाश कर रहा है, उसकी 12 साल की बेटी को भी ढूंढ रहा है। दरअसल शादीशुदा सुनीता अपनी बेटी के साथ प्रेमी शिवेंद्र के घर 7 साल पहले आ गई थी, जिससे एक और बेटी हुई। 29 अगस्त से सुनीता और उसकी बड़ी बेटी का कहीं पता नहीं है। तो मेरी बहन कह रही थी कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं क्या करूं, और कहीं भी बात करती थी तो कहते थे कि अगर बात करोगी कहीं हाँ तो हम मारेंगे सबको, नहीं तो किसी से बात ना करना। 5 तारीख को हड़ताल भी किए थे, कुछ सुनाई नहीं हुई थी। अब गुमशुदगी की ये गुत्थी तब और उलझ गई जब करीब 180 किलोमीटर दूर सोहागी थाना इलाके में 2 लाश मिली, एक महिला और नवजात बच्ची की। लापता सुनीता के घरवालों का दावा है कि ये लाश सुनीता की है, जिनका ये भी कहना है कि जब सुनीता लापता हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। और ये हमारे यहाँ चौकी है सोहागी थाने की, उस क्षेत्र की घटना है। वहां पे नैना नदी के पुल के नीचे एक महिला जिसकी उम्र करीबन लगभग 20 से 25 साल है, उसकी लाश मिली। उससे कुछ दूरी पे एक बच्चे की भी लाश मिली। क्या ये लाश लापता सुनीता की है? अब इस कहानी में एक और सस्पेंस है। घरवालों ने जिस लाश पर दावा किया है कि ये सुनीता की है, उस पर कुछ निशान बताए थे, जैसे टैटू और दूसरी बातें, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो ऐसे निशान बॉडी पर नजर नहीं आए। इसी दौरान वो लाश मिली तो उनके परिजनों ने शंका जाहिर करी थी चेहरे के सरसरी तौर पे मिलान के आधार पे, परंतु कुछ उन लोगों ने ऐसे ही साक्ष्य बताए परिजनों ने कि जो महिला का ऑपरेशन हुआ था और दो तीन चीज़ें, तो डॉक्टर ने इसके संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत नहीं दिया। उन्होंने बताया ऐसा कुछ ऑपरेशन संबंधी हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। पूरी तरह ये कहानी उलझती जा रही है। अब लाश सुनीता की है या नहीं, घर वालों के दावों का सच क्या है, इसके लिए पुलिस वाले डीएनए का सहारा ले रहे हैं। परंतु फिर भी इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह की जा रही है। इधर संदिग्ध शिवेंद्र से भी पूछताछ जारी है। डीएनए रिपोर्ट से ही सोहागी में नदी में मिली इन 2 लाश से सस्पेंस हटेगा। आखिर सच क्या है? सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हथियार बंद लुटेरे हों जो पिस्तौल भी तान दें, हवाई फायर भी करें, तो सोचिए जरा जिसके साथ ये गैंग लूट करने पहुंची होगी उसका हाल क्या हुआ होगा। लेकिन लूट की कहानी में लूट होते होते रह गई। लाइव देखिए सराफा कारोबारी और लुटेरों के बीच हैरान करता ये संघर्ष। गली में बदमाश करें इंतजार, लुटेरों के निशाने पर सराफा कारोबारी। घर की दहलीज पर लुटेरों से सामना, होश उड़ा देंगे ये 25 सेकंड। और लूट होते होते रह गई। किसी भी थ्रिलर फिल्म को ये रियल सीन मात कर दे। कैमरे की नजर से एक एक एंगल आप देखिए। लुटेरों का हमला लाइव है, बदमाशों के पास पिस्टल है, लेकिन सराफा कारोबारी की हिम्मत भी गजब। और इस वारदात का क्लाइमेक्स है लूट होते होते रह गई। सीसीटीवी में कैद पहला फ्रेम देखिए। रात 8 बजे का वक्त है जब सराफा कारोबारी राजेंद्र सोनी शॉप से घर आ रहे थे,
लेकिन घर में एंट्री करते उससे पहले ही गली में इंतजार कर रहे लुटेरों ने इन पर हमला बोल दिया। लूट के इरादे से ये साजिश रची गई थी। सोने चांदी से भरा बैग ज्वेलर राजेंद्र सोनी के पास था, जो दौड़ लगाकर घर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लुटेरा उन्हें दबोच लेता है। इस बदमाश का दूसरा साथी भी सराफा कारोबारी को खींच लेता है। दोनों के हाथ में पिस्टल थी। दहशत का माहौल। इस बीच कारोबारी ने दो बार घर में जाने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे इन्हें खींच कर ले आए और जमीन पर गिरा दिया। इस बीच एक और शख्स जो दूसरे घर में दिखाई दे रहा है, वो भी मदद नहीं कर पाया। इधर लुटेरे गली में आतंक मचा रहे थे, लेकिन सराफा कारोबारी ने बैग नहीं छोड़ा। उसके बाद घर का दरवाजा तीसरी बार खुला, परिवार से एक महिला निकली और बस इस बार कारोबारी कामयाब हुए घर में जाने के लिए। दरवाजा बंद और लूट होते होते रह गई। मैं दुकान बंद। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।